दोस्तों साल 2012 में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ शो मधुबाला आज भी दर्शकों के फेवरेट शोज में शुमार होता है। इस शो में जहां हमें काफी खूबसूरत प्रेम कहानी देखने को मिली थी, तो वही शो में दिखाए गए ट्विस्ट और टर्न्स ने इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था, जिसकी वजह से ये शो और भी ज्यादा इसमें काम करने वाले सभी कलाकार काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए थे। लेकिन दोस्तों इस सीरियल को प्रसारित हुए आज 10 साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से शो में काम करने वाले सभी कलाकार आज काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिनके बदले हुए अंदाज को देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मधुबाला एक इश्क एक जुनून शो में नजर आए कुछ कलाकारों के आज से रूबरू कराएंगे। तो फिर आइए एक एक करके जानते हैं उन स्टार्स के बारे में। नंबर एक पर है रजा मुराद। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेता रजा मुराद का, जिन्होंने शो में कुलभूषण भाटिया की भूमिका निभाई थी, जिनके इस किरदार में इन्हें कोट पैंट पहले काफी ज्यादा दमदार अंदाज में देखा गया था। बात करें इनके आज की, तो बता दें कि आज 71 साल के हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनके चेहरे पर और भी ज्यादा बुढ़ापा झलकने लगा है। तो वहीं अब ये चश्मा पहने काफी साधारण अंदाज में नजर आते हैं। बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, तो ये अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है, जिन्हें कुछ समय पहले फिल्म हीरो ऑफ नेशन चंद्रशेखर आजाद में देखा गया था। नंबर दो पर है सीमा मिश्रा। लिस्ट में नंबर दो पर नाम शुमार है अभिनेत्री सीमा मिश्रा का, जिन्होंने शो में दीपावली की भूमिका निभाई थी और काफी बोल्ड और स्टाइलिश अवतार में नजर आई थी। बात करें इनके आज की, तो बता दें कि बीते सालों में पहले से और भी ज्यादा ही सुंदर हो चुकी हैं। इसके साथ ही अब ये पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े कैरी करती हैं और उसमें भी ग्लैमरस और गॉर्जियस नजर आती हैं। बता दें वर्तमान में सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रही हैं, जिन्हें आप कुछ समय पहले बालिका वधू 2 में देखा गया था। नंबर तीन पर है पल्लवी पुरोहित। शो में पद्मिनी मलिक यानी कि मधुबाला की मां की भूमिका निभाई थी अभिनेत्री पल्लवी पुरोहित ने, जिन्हें शो में लंबे समय तक बालों और सिंपल स्टाइल में काफी साधारण अंदाज में तो देखा गया था। वहीं बात करें इनके आज की, तो ये आज 39 साल की हो गई हैं, पर इस उम्र में अब ये पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हैं। इसके साथ ही आज ये काफी मॉडर्न भी हो चुकी हैं, जिसके कपड़ों को और बालों के बदले हुए अंदाज को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें इन्होंने साल 2010 में प्रशांत पुरोहित से शादी करके अपना घर बसा लिया है और आज उन्हीं के साथ मुंबई में रहते हुए एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ। नंबर चार पर है विवियन डिसेना। शो में ऋषभ कुंद्रा के किरदार को निभाने वाले अभिनेता हैं विवियन डिसेना, और बात करें इनके आज की, तो विवियन डिसेना आज अपनी 33 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जिसके चलते इन्हें भी जहां शो में छोटे छोटे बालों, शर्ट पैंट और टी शर्ट कैरी किए हुए काफी स्मार्ट लुक में देखा जाता था, तो वहीं आज ये अपने बालों का स्टाइल काफी बदल चुके हैं। इसके साथ ही अब ये पहले के मुताबिक थोड़े से मोटे भी हो चुके हैं और पहले से काफी मैच्योर नजर आते हैं। बता दें बीते सालों में विवियन डिसेना ना सिर्फ अपनी को स्टार रही, वह बीच दोराबजी से शादी करके अपना घर बसा चुके हैं, बल्कि बीते सालों में उनका डिवोर्स भी हो चुका है, जिसके चलते अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें वर्तमान में सिर्फ तुम सीरियल में देखा जा रहा है। नंबर पाँच पर है दृष्टि धामी। शो में मधुबाला के किरदार को यादगार बनाने वाली अदाकारा है दृष्टि धामी, और बात करें इनके आज की, तो बता दें कि ये आज 36 साल की हो गई हैं, जिसके चलते जहां शो में इन्हें घुंघराले बालों और सिंपल सूट सलवार में काफी ज्यादा साधारण से अंदाज में देखा गया था, तो वही दृष्टि धामी आज एक से बढ़कर एक शॉर्ट्स और ट्रेंडी ड्रेसेस कैरी करती नजर आती हैं, जिनके बालों के स्टाइल से लेकर मेकअप सब कुछ काफी ज्यादा बदल चुका है, जिनमें अब ये और भी ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती हैं। वहीं बता दें आज ये अपने पति नीरज खेमका और परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें कुछ समय पहले द एम्पायर वेब सीरीज में देखा गया था। तो दोस्तों इन कलाकारों के बदले हुए रूप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।